हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, कल परसों से जिस प्रकार से एग्ज़ाम कैंसिलेशन या पोस्टपोन के जो लगातार नोटिस आ रहे थे, उसी कड़ी में आज एक और पब्लिक नोटिस जारी किया है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो NET JRF के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट इन्होंने दे दिया है पोस्टपोनेंट ऑफ द UGC नेट दिसंबर 2020 साइकिल, मई 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले थे, ये एग्ज़ाम आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होने वाले थे और 2 मई से 17 मई 2021 को 81 सब्जेक्टों के पेपर होने वाले थे। इस प्रकार से ये अब जो आपके एग्ज़ाम थे, ये पूरी तरह से अब कैंसिल हो गई है, यानी पोस्टपोन हो गई है। अब इसकी नई डेट कब आएगी वो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने लिखा है कि जब भी नई डेट दी जाएगी वो आपको 15 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। इस प्रकार से ये चीज़ है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि नई सूचना जैसे आएगी वो हम UGCNET.NTA.NIC.IN पर आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ये चीज़ हो गई है। अब हम नीचे इसके और देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें सारी है। अब हम कुछ एक तरह से बात कर लेते हैं, अब आपके लिए क्या करें और क्या नहीं करें, जैसे स्थिति हो गई होगी, क्योंकि हमारे YouTube चैनल से एक तरह से देखा जाए तो कई साथी है जो NET JRF की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी साथियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से अभी जो कोरोना सिचुएशन है वो बहुत ही डेंजरस रूप ले चुकी है, तो हमें पहले तो अपनी जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना आवश्यक है। अपने घर में रहे, जहां आप है वहीं रहे, तो एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पे, जैसे ही मतलब 2-3 महीने के अंदर वापस डेट आ जाएगी, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है उसको पढ़ते रहे, NET JRF का जो पहला पेपर है उसको ढंग से थोड़ा देखते रहे, और मैथ्स और रीजनिंग वाले जो पोर्शन हैं उसको आप अच्छे से देखते रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपने सब्जेक्ट है उसको भी तैयार करते रहे, यानी कुल मिला के ये है कि घर पे अब आपको पढ़ना है, लाइब्रेरीज बंद है, कोचिंग वगैरह सारी चीज़ें बंद है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये देखा कि नेशनल जो NTA के द्वारा NET JRF के भी क्या कर दिए गए हैं, जो पेपर है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कल UPSC के इंटरव्यूज वगैरह, APFO के वो भी कर दिए थे, SSC ने भी अपना एग्ज़ाम था वो भी है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि संभावना ये है कि मई में आपका कोई भी एग्ज़ाम किसी प्रकार का पूरे भारत में नहीं हो सकता। पूरी सिचुएशन इस प्रकार से आ गई है। चलिए दोस्तों, इस अपना खुद का ख्याल रखिए और इस सूचना को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी निश्चित हो जाए और अपनी सुरक्षा अपने हाथों में कर ले। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर हम अब जिस प्रकार से लॉकडाउन लग गया है, तो आपके पास न्यूज़ वगैरह या न्यूज़पेपर भी कम आते होंगे, गाँव में चले गए होंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपको यहाँ पर पूरी तरह से करंट अफेयर्स की पूरी चीज़ें आपको कवर कराते रहेंगे, और पॉलिटी वगैरह राजस्थान से आप बिलोंग करते, राजस्थान जी के वगैरह की हमारी सीरीज चल रही है, तो उनका आप फ़ायदा उठाकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 2020 साल तो पूरा ख़राब हो गया था, कहीं 21 भी ऐसा नहीं चला जाए। तो इस प्रकार से आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।